हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 465। और आज की हमारी रेसिपी है संदेश। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने लिया है पाउडर शुगर, फुल क्रीम दूध, कार्डमम पाउडर, चॉप नट्स और लेमन जूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने दूध को पतीली में डाल दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दूध में उबाल आ गया है। अब मैं अपनी गैस को सिम कर दूंगी और इसमें धीरे धीरे लेमन जूस डालूंगी। चलिए हम लेमन जूस डालते हैं। लेमन जूस के डालने से हमारा दूध जो है वो फट जाएगा। मेरा दूध फट चुका है। अब मैं इसे एक मसलिन क्लॉथ में छान लूंगी। मैं इस कपड़े में अपना पनीर छान लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आप थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी और इसको थोड़ा सा वॉश कर दूंगी ताकि जो नींबू की खटास है वो हमारे पनीर से निकल जाए। मैं निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पनीर बनके रेडी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए, मैंने अपने पनीर को प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसे हाथ से मस लूँगी अच्छे से और बिल्कुल सॉफ्ट इसका हमें डो बनाना है। बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से इसको बहुत अच्छे से मस लीजिएगा। अपनी हथेली का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको अपनी हथेली से मसलूंगी। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर। अब इसको फिर से हाथ से अच्छे से मसलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन रख दिया है। अब मैं इस पैन में डालूंगी अपना पनीर का मिक्सचर और इसे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस पर भूनूंगी। दो मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, मेरा ये बनके तैयार है। अब मैं इसे वापस प्लेट में डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कार्डमम पाउडर, बिल्कुल ज़रा सा। आप चाहे तो रोज एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और इसे फिर से हाथ से मथना है मुझे, फिर से इसे हथेली से ऐसे ऐसे करना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो सके। चलिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। अब मैं इसका अपना संदेश बना लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका संदेश बना लेती हूँ। आप जौन सी शेप चाहें वो आप वो शेप दे सकते हैं अपने संदेश को। मैं इसको पेड़ा शेप में बनाऊंगी। तो हाथ से इसको मैं गोल गोल कर देती हूँ। देखिए, मेरा संदेश जो है वो बन के रेडी है। अब मैं इसे चॉप नट्स से सजाऊंगी और इसके बाद अपनी सर्विंग प्लेट में रखूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने संदेश को गार्निश कर दिया है। मैंने इस पर केसर लगाया है और कुछ चॉप नट्स डाले हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में भी टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।